नमस्कार प्रियजनों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुभचिंतक। आप आई मेरे चैनल पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो उपाय बता रही हूँ आपको, गुरुवार का उपाय बता रही हूँ। गुरुवार जो, जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों में आप गुरुवार को ये उपाय कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, लेकिन संभव हो तो दिन में ही करिएगा, शाम को नहीं करिएगा, क्योंकि केले के पौधे में जल चढ़ाना होता है और मैं केले का उपाय ही आज आपको बता रही हूँ। तो आपको उपाय करना क्या है, किस तरह से करना है कि नवरात्रों में शुरू करिए, और वैसे शुक्ल पक्ष में आप किसी भी गुरुवार को शुरू कर सकते हैं, एक तरह से गुरुवार का उपाय है। केले का पौधा जो है, आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति का प्रतीक है, बृहस्पति इससे प्रसन्न होते हैं। केले के पौधे को घर में लगाना बहुत शुभ होता है। आप केले के पौधे को घर के पीछे हिस्से में लगाइए, आगे के हिस्से में कभी भी मत लगाइए, अन्यथा आपको फायदा होने की जगह नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में अभी भी कोई केले का पौधा गमले में घर के आगे की तरफ रखा हुआ है, तो उसे अब नवरात्रों का बहुत अच्छा शुभ समय है, इस समय में आप उसे पीछे के घर के पीछे के हिस्से में, पीछे जो भाग है घर का, उसमें कहीं पर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसकी पूजा आप कर सकें। तो केले के पौधे का आज मैं उपाय आपको बता रही हूँ। आपको करना क्या है, भगवान विष्णु की पूजा उसमें करनी है। नवरात्रों में आप शुरू करें, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप पूजा करें, सुबह नहा धो के तैयार होएं, और शाम को भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप कहेंगे कि आज गुरुवार ही है, तो आप आज गुरुवार को लेट बता रहे हैं, तो मैं शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को करने का कह रही हूँ कि शुरू कर सकते हैं आप। नवरात्रों में आगे गुरुवार आए तो आप कर लीजिए, या शुक्ल पक्ष में आगे गुरुवार आए तब कर लीजिए। ये शुभ दिन चल रहे हैं, इन शुभ दिनों में आप इसे कर सकते हैं। आपको पूजा की एक थाली तैयार करना है, उसके साथ ही केले का एक बाहर से मिल सके, क्योंकि गमले में लगा हुआ आपके पौधा इतना बड़ा नहीं होता कि आप उसका पत्ता ले सकें। और अगर उसका पत्ता ले लें, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा सारा पत्ता हो, छोटा सा एक पत्ता हो केले का, और आप अपना आसन बिछा लें पूजा करने का, और उसके ऊपर केले का पत्ता रख लें, छोटा सा ही पत्ता हो चाहे, लेकिन रख लें उसके ऊपर, उसके ऊपर आप बैठें, केले के पत्ते के ऊपर आप बैठें, छोटा सा पत्ता रख लें। बड़ा पत्ता ना मिल पाए, बड़ा पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, छोटे पत्ते पर आप बैठ जाएं। केले के पौधे में जल अर्पित करें, और जल अर्पित करने के साथ ही हल्दी का तिलक लगाएं, गुड़ अर्पित करें, आप थोड़े से चावल अर्पित करें, पीला धागा बांधें केले को, और इसके साथ ही भगवान विष्णु का वास इसमें मानते हुए आप दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में थोड़ा सा, एक चुटकी थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी घी में डाल दें, ताकि वो दीपक जब जले तो पीली हल्दी का पीली बत्ती के साथ जल जाए। और इसके साथ ही आपको जो केले का पौधा है उसको नमस्कार करना है। अब उसके साथ आपको अपने विवाह की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कि हमारा शीघ्र से शीघ्र विवाह हो, 30 से साल बड़ी उम्र हो गई है, उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब विवाह की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो विष्णु भगवान को वास मानते हुए आप उपाय करें इसका। ये नहीं कहती हूँ कि 30 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो पूजा करें, 30 से मान लीजिए कोई 28 में 29 में है तो भी आप पूजा कर लें, इसकी कोई चिंता ना करें, लेकिन 30 से ऊपर वाले अवश्य पूजा करें। अब केले के पत्ते के ऊपर बैठकर आपको एक माला ले लेनी है, माला के ऊपर आपको भगवान गुरु का, बृहस्पति भगवान के मंत्र का जाप करना है, 108 बार मंत्र जाप कर लें। इस उपाय को आप गुरुवार के गुरुवार करें, और खुला है आपके लिए गुरुवार के गुरुवार उपाय करने के लिए, कि आप इसको बांध के ना रखें, हर गुरुवार को ये उपाय करें। आप इस गुरुवार को ये ना सोचें कि हमें कितने गुरुवार करना है, या मंथली पीरियड आ गया है तो हम कैसे कर पाएंगे, तो लड़कियां लड़के दोनों इस उपाय को करें। लड़कियों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लड़कों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही इस पूजा को करें। विवाह के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है केले के पत्ते का उपाय। अब इसके ऊपर आपको केले के पत्ते पर बैठकर जो उपाय करना है, जप करना है, वो है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद आप जैसे ही पूजा करके खड़े हो जाते हैं, तो केले का जो पत्ता है, जो आप बिछा कर बैठे हैं केले का पत्ता छोटा सा, उस पत्ते को यूं ही इधर उधर नहीं फेंक देना है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उस केले के पत्ते को आप या तो पानी जल में बहा दें,
और मान लीजिए जल में बहाने का आपके साधन ना हो तो इस पत्ते को आप पीपल में छोड़ दें। किसी भी सामग्री को आप या तो पानी में बहाते हैं या फिर खड्डा खोदकर दबा देते हैं। तीन ही तरीके होते हैं किसी भी पूजा सामग्री को विसर्जित करने के, या तो पानी में, या खड्डा खोदकर, या फिर पीपल में छोड़ देते हैं। छोटी मोटी सामग्री हो तो जलाते नहीं हैं कभी भी। आप इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी पूजा की हुई सामग्री को जलाएं नहीं। ये आपके बृहस्पतिवार का उपाय हो गया। अब बृहस्पतिवार के दिन जिस दिन आपने ये पूजा की है, केले के पत्ते पर बैठ के आपने पूजा की है, उस दिन आप नमक नहीं खाएंगे। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने कभी भी शायद आपको नहीं कहा कि आप नमक ना खाएं, लेकिन इस पत्ते के उपाय, केले के पत्ते का उपाय जो आप करें, अगर इस पर बैठकर आप जब करते हैं, जो कि बहुत प्रभावशाली और चमत्कारी असर होगा इसका जो जब करेंगे आप, तो आपको केले के पत्ते के उपाय के दिन नमक नहीं खाना है। नमक आप उस दिन मत खाइए, व्रत रखें ना रखें, लेकिन नमक ना खाएं। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नमक उस दिन ना खाएं। आपको कोई मीठा भोजन कर लें आप। आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि शुभ दिन चल रहे हैं। शुक्ल पक्ष में कभी भी शुरू कर लें, लगातार करें, खुले करें, कोई टेंशन नहीं है, बांध के नहीं करना कि कितने बृहस्पतिवार करें, लेकिन केले के पत्ते का उपाय आप करके देखें। आपको शीघ्र इसके फल मिलेंगे। शीघ्र आपके विवाह का, जो 30 से ऊपर वाले हैं उन लोगों के लिए चमत्कारी उपाय है। उनके विवाह का रिश्ता अगर नहीं हो रहा है तो शीघ्र पक्का होगा, रिश्ते आएंगे भी, और रिश्ता जहां आप मन चाहा, मन पसंद रिश्ता जैसा चाहते हैं, जैसा आप डिजर्व करते हैं रिश्ता अपने लिए, लड़के या लड़की, उनके लिए वैसा ही रिश्ता आएगा। इस बात में परहेज नहीं करें कि लड़कियों के लिए उपाय है, लड़कों के लिए नहीं है। गुरु का मजबूत होना लड़कों के लिए भी उतना ही स्ट्रांग है जितना लड़कियों के लिए ज़रूरी है। शुक्र और गुरु दोनों ही स्ट्रांग होते हैं तो विवाह, शादी, सगाई, रिश्ता सब पक्का होता है। तो इस उपाय को आपको लड़कियां को और लड़कियों को करना है, क्योंकि माता पिता अगर बच्चों के लिए करना चाहें तो माता पिता भी कर सकते हैं। ईश्वर तो ईश्वर होते हैं, भगवान वो सबकी मनोकामना सुनते हैं। अगर मम्मी पापा करें तो बच्चों के नाम का संकल्प लेकर वो भी कर सकते हैं, पीपल के पत्ते का उपाय कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। तो आज का उपाय मैं आप सब लोगों के लिए लाई हूँ, और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये उपाय आपका बहुत सफल हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार मेरे से बहुत ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई देने की, व्यस्तता के कारण कभी रिप्लाई ना दे पाऊँ तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।